दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बाटली कोयल को मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करना है हम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों एक्टिवा की दोस्तों ये इग्निशन कोयल है, यानी बाटली कोयल बोला भी जाता है, इग्निशन कोयल को बोला भी जाता है। ये दोस्तों एक्टिवा की है और ये दोस्तों ब्लैक वाली जो है वो दोस्तों एक्टिवा फैशन प्रो HF डीलक्स स्प्लेंडर प्रो उसकी है, और ये वाइट कलर की दोस्तों बजाज की है, पल्सर डिस्कवर में लगती है। ये दोस्तों ये नई है और दोनों पुरानी है। 252 रुपये उसकी प्राइस है दोस्तों। उसको कहाँ पर सेट करना है, यानी दो ट्रिक होती है। पहली ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि 2000 ओहम के ऊपर उसको सेट करना है मल्टीमीटर को। और दोस्तों हम पहले नई को चेक करके आपको दिखाएंगे। दो ट्रिक है, अगर दोनों ट्रिक सही से उपयोग करोगे तो दोस्तों कहीं पर फंसोगे नहीं, यानी कि उसका जो फॉल्ट है उसको प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे। दोस्तों मल्टीमीटर के अंदर 1 से 6 तक उसका रीडिंग शो करना चाहिए, उसके बीच में रहना चाहिए। उसके ऊपर दोस्तों जाएगा तो दोस्तों ये बाटली कोयल ख़राब होगी, लेकिन 1 से 6 तक यानी कि ये हमारी बाटली कोयल सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम दूसरी बाटली कोयल यानी कि बजाज की वाइट कलर की दोस्तों जो बाटली कोयल है, इग्निशन कोयल है, उसको चेक करके हम दिखाएंगे। दोस्तों 1 से 6 के बीच में होना चाहिए, ये याद रखें। 2000 ओम के ऊपर सेट करना है और 1 से 6 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि ये भी हमारी बाटली कोयल सही है। लेकिन दोस्तों दोनों तरीके से उसको चेक करना है, ये याद रखना। और हम अभी एक्टिवा की फैशन प्रो की या HF डीलक्स की बाटली कोयल को चेक करेंगे। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि फॉल्टी बाटली कोयल कौन सी है। यानी दूसरी ट्रिक है कि विस्क के ऊपर उसको मल्टीमीटर को सेट करना है और दूसरी ट्रिक से उसको चेक करना है। दोस्तों CDI से जो करंट आता है उसके ऊपर मल्टीमीटर की एक प्रोब को रखना है और दूसरी प्रोब यानी कि रेड वाली प्रोब को उसके प्लग की कैप जहाँ लगती है वहाँ पर लगाना है। और दोस्तों ये दूसरी ट्रिक दोस्तों 11 से 16 के बीच में रहना चाहिए, 11 से 16 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि ये हमारी बाटली कोयल इग्निशन कोयल सही है। ये दोस्तों दोनों जो बाटली कोयल है, इग्निशन कोयल है, उसको हम दूसरी ट्रिक से भी चेक करके दिखाएंगे। 11 से 16 के बीच रहना चाहिए, 20K के ऊपर उसको सेट करना है, यानी कि दोस्तों ये हमारी इग्निशन कोयल ख़राब है। दोस्तों इग्निशन कोयल के अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी रिवाइंडिंग आती है। इसी तरीके से बजाज की हम चेक करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये भी फॉल्टी है इग्निशन कोयल। दोस्तों जब हमारी बताई हुई दोनों ट्रिक को आप अपनाओगे तो दोस्तों कहीं पर फंसोगे नहीं, यानी कि इग्निशन कोयल को अच्छी तरीके से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यानी ये दोनों बाटली कोयल ख़राब है और एक जो नई बाटली कोयल है यानी कि वो प्रॉपर सही है। और 20K ऊपर 2000K के ऊपर रखना है पहली ट्रिक अपनाने के लिए, और दूसरी ट्रिक अपनाने के लिए 20K के ऊपर रखना है।